गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉडल केएम स्कूल की ऑनलाइन सीरीज में। स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो काम फिनिश किया था वो 16.3 के हमने 14th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 से। देन देखिए क्वेश्चन 15, ए बैग कंटेन 5 व्हाइट 7 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। द बैग कंटेन five white, seven red, and three black balls. हमें करना क्या है? If three balls are drawn one by one without replacement, तीन बॉल निकाली जाती हैं एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड। तीन बॉल निकाली और कोई भी बॉल जो है वो रेड नहीं होनी चाहिए। थ्री बॉल्स आर ड्रॉन हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड, कोई भी बॉल रेड नहीं होनी चाहिए। तो उसे हम क्या मान लें? एक इवेंट मान लें। लेट इवेंट E1, नो बॉल इज रेड, कोई भी बॉल रेड नहीं होनी चाहिए। आपने बॉल कितनी निकाली है? तीन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो तीनों बॉल्स में से कोई भी बॉल रेड नहीं होनी चाहिए। तो रेड बॉल हमारे पास इस 7 है, तो इसका मतलब 7 में से कोई भी बॉल नहीं लेनी। तो यानी तीनों बॉल कहां से होंगी? 5 और 3 8, 8 बॉल में से कोई भी 3 हो सकती हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 8c3 बाय टोटल कितनी बॉल्स है आपके पास? 5 और 7 12 और 3 15 15c3, ये आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए 8c3, जैसा कल हमने डिस्कस किया था, 8c3 का मतलब है भी 8 में से कोई भी 3 बॉल चूज करना। तो 5 और 3 8, 8 में से कोई 3 बॉल हम ले सकते हैं। हमने रेड छोड़ दी, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो रेड के अलावा बाकी हो सकती है कोई भी 3। तो 5 और 3 8, 8 में से कोई 3, ये हमारे फेवरेबल केस। टोटल केस हमारे कितने भी? आपने 15 में से कोई 3 बॉल निकाल ली। इसे सॉल्व करने का जो मेथड मैंने कल बताया था आपको, ऊपर 8 है तो 8 फैक्टोरियल, नीचे 3 है देन 3 फैक्टोरियल, और 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। ओके, यहां कितना? 15 देन 15 फैक्टोरियल, नीचे 3 है 3 फैक्टोरियल, और 15 माइनस 3 दैट इज 12 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 8 फैक्टोरियल के नीचे कितना पड़ा है? 5 फैक्टोरियल पड़ा है। तो हम इस 8 फैक्टोरियल को खोल के 5 तक ले जाएंगे। क्या लिखेंगे इसे? 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, इससे कैंसिल हो जाएगा। नीचे एक फैक्टोरियल और भी है, 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर दें। 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 = 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। ये हमने ऊपर का पार्ट सॉल्व कर लिया, अब हम नीचे का पार्ट सॉल्व करते हैं। 15 फैक्टोरियल यहां है और नीचे है 12 फैक्टोरियल, तो हम 15 फैक्टोरियल को खोल के 12 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे। देन सॉल्व करते हैं, 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल। 13 के बाद हमने 12 फैक्टोरियल यू का यू लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि नीचे 12 फैक्टोरियल है हमारे पास कैंसिल करने के लिए, और ये जो 3 फैक्टोरियल है ये 3 × 2 × 1 से इसे सॉल्व कर दिया। तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, और 3 से हम ये 15 कैंसिल कर सकते हैं 5 से, और 2 से हम ये कैंसिल कर सकते हैं 7 से। तो देखिए ऊपर कितना बचा? 8 × 7, ऊपर बचा 8 × 7, और नीचे क्या बचा? 5 × 7 × 13
फाइव इंटू सेवन इंटू थर्टीन, देन सेवन से अगेन सेवन कैंसिल, तो और कुछ कैंसिल नहीं होता यहां पे, तो ये आपका आंसर रहेगा 8/65। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक मिनट के लिए लें। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था 15th। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 16th। ए बैग कंटेन 20 टिकट्स फ्रॉम 1 to 20। एक बैग में 20 टिकट्स हैं, उन पे नंबर्स हैं 1 से लेके 20 तक। हमने क्या की, दो टिकट्स निकाली वहां से, और प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, बोथ द टिकट्स ड्रॉन हैव प्राइम नंबर्स। हमने जो दो टिकट निकाली हैं, क्या प्रोबेबिलिटी पूछता है कि दोनों के दोनों टिकट क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। तो हमारे पास टिकट्स हैं कितनी, टोटल टिकट्स, क्वेश्चन हम कर रहे हैं 16th, देर आर 20 टिकट्स फ्रॉम 1 to 20। हमने कितने टिकट निकाली है, दो टिकट निकाली है, टू टिकट्स आर ड्रॉन। और प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि दोनों के दोनों टिकट ही प्राइम होने चाहिए, तो पहले आप ये निकाल लें भी 1 से लेके 20 तक प्राइम टिकट्स कितनी हैं, प्राइम टिकट्स। टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन एंड 19। ओके, प्राइम नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं बन सकते। तो कितने हुए ये, 1, 2, 3 और 3, 6 और 2, 8। ये 8 हमारे प्राइम नंबर हैं, यानी 8 टिकट प्राइम हैं। तो हमें दो टिकट निकालनी है, और दोनों के दोनों कैसी होनी चाहिए, दोनों के दोनों टिकट्स प्राइम होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम टिकट, या तो आप कोई इसे इवेंट लेट कर लें, कोई नाम दे दें ईवन ई2 का, या फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम टिकट लिखें। ओके स्टूडेंट्स, तो प्राइम टिकट्स कितनी है, 8। आपको कितनी निकालनी है, दो, दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। तो इसी 8 में से कोई दो होंगी, जो आपने दो प्राइम टिकट निकालनी है वो दो इन्हीं 8 में से कोई भी दो हो सकती है। तो 8C2, और टोटल हमारे पास कितनी टिकट है, 20, तो 20C2 ये आपका आंसर है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ते हैं। नन ऑफ द टिकट हैज प्राइम नंबर, कोई भी टिकट प्राइम नहीं होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम टिकट, तो आपने ये देखा कि 1 से लेके 20 तक जो 8 टिकट हैं, 8 वो प्राइम हैं, और जो प्राइम नहीं है वो कितने बचे, 12। तो आपको ये पूछता है कि जो दो टिकट निकाली वो प्राइम नहीं होनी चाहिए, तो प्राइम जो नहीं है वो कितने नंबर है, 12। तो उन 12 में से कोई दो हो सकती हैं, 12C2 और नीचे 20C2। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था 16th। जल्दी से देखते हैं 17th क्वेश्चन। टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स वन आफ्टर द अदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दीज इज ए क्वीन एंड अदर इज ए किंग ऑफ ऑपोजिट कलर। क्वेश्चन नंबर 17th। क्वेश्चन 17th में क्या है कि टू कार्ड्स हमने ड्रॉ की हैं, 52 कार्ड्स में से। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 52। हाँ,
हमने निकालने कितने हैं, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, और वो दोनों कार्ड कैसे होने चाहिए, एक तो होनी चाहिए क्वीन और जो दूसरा कार्ड है वो होना चाहिए ऑपोजिट किंग, मतलब जो क्वीन निकली उसके ऑपोजिट कलर का किंग। तो इसे आप एक इवेंट का नाम दे दें, लेट इवेंट E1 वन कार्ड वन ड्रॉन कार्ड इज ए क्वीन, वन ड्रॉन कार्ड इज ए क्वीन एंड अदर इज ए किंग ऑफ ऑपोजिट कलर एंड अदर इज ए किंग ऑफ ऑपोजिट कलर। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, दो कार्ड आपने निकाले हैं, उन दोनों में से एक क्वीन होनी चाहिए और जो दूसरा कार्ड है वो ऑपोजिट कलर का किंग होना चाहिए। तो जब आप एक क्वीन निकालेंगे, टोटल क्वीन कितनी होती है अपने पास, टोटल क्वीन होती है चार, तो आपने एक क्वीन निकाल ली, आपने एक क्वीन निकाली, चार में से कोई भी एक क्वीन आ गई। अब उस क्वीन का कलर चाहे जो भी हो, कलर उसका रेड भी हो सकता है, कलर उसका ब्लैक भी हो सकता है, तो ये जो एक क्वीन आपकी निकली ये जिस भी कलर की हो उससे ऑपोजिट जो किंग होंगे वो दो होंगे। क्वीन चाहे हमारे पास ब्लैक निकली हो या हमारे पास रेड आई हो, उससे ऑपोजिट कलर के जो किंग होंगे वो हमारे पास सिर्फ दो होंगे। तो जो दूसरा पत्ता आप निकालोगे वो दो में से निकालोगे किंग का, एक तो क्वीन निकाल ली और जो दूसरा पत्ता निकालना है वो ऑपोजिट कलर का किंग होना चाहिए। तो ये जो किंग, ये जो क्वीन निकाली है हमने, ये जिस भी कलर की हो, चाहे रेड निकली हो या ब्लैक निकली हो, उससे जो ऑपोजिट कलर का जो किंग बनेगा वो दो ही बनेंगे, 2C1। तो ये तो थे फेवरेबल केस, और टोटल केस हमने कितने पत्ते निकाले, दो निकाले, टोटल हमारे पास 52 कार्ड थे, हमने कोई भी दो निकाल लिए। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके इसका आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट जो मैंने कल आपको कॉम्बिनेशन बताया था, उसके कुछ सीधे सीधे कुछ जो फॉर्मूले हैं वो देख लें एक बार। एक तो वन फैक्टोरियल वन होता है, वन फैक्टोरियल वन, एक जीरो फैक्टोरियल भी वन होता है। ओके ध्यान दें, उसके बाद तो आपको पता ही है, टू फैक्टोरियल की वैल्यू टू इंटू वन, थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू थ्री इंटू टू इंटू वन, वो तो हो गया था अपना। ठीक है, कुछ डायरेक्ट जो हैं जैसे 5C0, किसी के भी नीचे अगर जीरो आ जाए, किसी के भी नीचे अगर जीरो है तो आंसर रहेगा वन, 3C0 आंसर वन। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरी बात, अगर किसी के नीचे वन है, वन 8C1 4C1 5C1, तो उसका आंसर ऊपर वाला ही रहेगा 8। वन हो या वन कम हो, ओके स्टूडेंट्स, इनको हमें सॉल्व करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व करेंगे यही आंसर आएगा। तो ध्यान से देखें, वन हो, नीचे वन हो या वन कम हो, 8 से 1 कम कितना 7, तो 8C1 का आंसर भी 8, 8C7 का आंसर भी 8। ये बहुत ज्यादा जगह हमारे यूज होंगे, जैसे 10C1 कहें या 10C9 कहें, इसका आंसर 10 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे जब जीरो आता है, किसी के भी नीचे जीरो आ जाए तो उसका आंसर आएगा 1, और किसी के नीचे 1 आए या 1 कम हो तो उसका आंसर हमेशा ऊपर वाला ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। ए कमेटी ऑफ टू इज सिलेक्टेड फ्रॉम टू मेन एंड टू वुमेन, हमारे पास क्या है, टू मेन हैं और टू वुमेन हैं। देयर आर
टू मेन एंड टू वुमेन, दो मेन हैं, दो वुमेन हैं और हमने एक कमेटी सिलेक्ट करनी है दो पर्सन की, हमें एक कमेटी बनानी है दो पर्सन की, तो क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव नो मैन। टू जो ये हमारे पास चार पर्सन हुए, दो मैन और दो वुमेन, चार हैं, इसमें से हमें दो की कमेटी बनानी है, टू पर्सन आर सिलेक्टेड, टू पर्सन आर सिलेक्टेड, हमें दो आदमी इस सॉरी दो पर्सन सिलेक्ट करने हैं, हमारे पास दो लेडीज हैं और दो जेंट्स हैं, चार हैं टोटल, हमने कोई दो सेलेक्ट करने हैं, दो की कमेटी बनानी है और प्रोबेबिलिटी क्या पूछता है, उस कमेटी के अंदर नो मैन, कोई भी जो है मेल पर्सन नहीं होना चाहिए, लेट इवेंट इवन, देयर इज नो मैन, देयर इज नो मैन, कोई भी मेल पर्सन नहीं होना चाहिए, तो मेल पर्सन नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब जो दो आपने छांटे हैं, जो दो पर्सन आपने लिए हैं वो दोनों के दोनों फीमेल होंगे, वो फीमेल कितनी पड़ी है, दो हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बना दें 2c2 और बाय 4c2। ओके स्टूडेंट्स, कहता है देयर इज नो मैन, कोई मेल पर्सन नहीं होना चाहिए, तो क्या होने चाहिए, तो आपने जो दो पर्सन लिए हैं वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, फीमेल होने चाहिए, फीमेल कितनी पड़ी है, फीमेल कितनी है यहां पे, दो, दो में से दो, अगर फीमेल यहां पे चार होती तो आप लिख देते 4c2, फीमेल फाइव होती यहां पे फीमेल तो 5c2। ओके स्टूडेंट्स, फीमेल दो ही है, दो में से दो ले ली हमने, चूज कर ली और नीचे टोटल 4c2। ये हमारा रहा पार्ट फर्स्ट। पार्ट जो सेकंड है उसमें कहता है, पार्ट सेकंड में वन मैन, सॉरी क्वेश्चन हम 18th कर रहे हैं, क्वेश्चन 18th, जो पार्ट सेकंड है वन मैन सिलेक्टेड, एक मेल पर्सन होना चाहिए। अब आप कितने चूज करना चाहते हो, आप दो पर्सन चूज करना चाहते हो, उसमें क्या कंडीशन लगा दी, उन दो में से क्या होना चाहिए, एक मैन, एक मेल पर्सन होना चाहिए, तो दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा, तो एक मेल लेना है, तो मेल पर्सन है कितने, दो, दो में से एक ले लिया, और एक और लेना है हमें, तो वुमेन कितनी है, दो, दो वुमेन में से एक ले लिया, तो ये तो बने आपके फेवरेबल केस, और टोटल केस कितने हैं, आपने चार में से कोई दो आपने सिलेक्ट कर लिए, 4c2। ओके स्टूडेंट्स, एक मेल पर्सन लेना है तो दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा, तो मेल पर्सन कितने पड़े, टू, तो 2c1, और फीमेल कितने हैं, वो भी टू है, 2c1, एक है मेल ले लिया, एक फीमेल ले लिया, ये फेवरेबल और ये टोटल। तीसरे पार्ट में कहता है टू मेन इवेंट E3, ये हमारी प्रोबेबिलिटी बनी थी E2 की, अब इवेंट E3, टू मेन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, दोनों के आपने जो दो पर्सन लेने हैं दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, मेल होने चाहिए, टू मेन, दोनों मेल पर्सन कितने हैं, पड़े ही दो हैं, तो 2c2 और बाय टोटल 4c2। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18th। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19th, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन हैंड ऑफ 7 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स इट कंटेन ऑल किंग्स,
क्या किए आपने, सेवन कार्ड्स हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ए हैंड ऑफ सेवन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, आपने क्या करने हैं, सेवन कार्ड्स निकालने हैं। तो कहता क्या है, इट कंटेन्स ऑल किंग्स, क्या होने चाहिए, सारे के सारे इसमें किंग होने चाहिए। टोटल कार्ड्स 52 हैं, आपने निकालने कितने हैं, व्हेन ए हैंड ऑफ सेवन कार्ड इज ड्रॉन, सेवन कार्ड्स आर ड्रॉन, टोटल कार्ड्स 52 हैं, आपने सेवन कार्ड्स ड्रॉन करने हैं, सात पत्ते निकालने हैं। ओके, देन इन सात पत्तों में क्या होना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी पूछता है, इन सात पत्तों में क्या होना चाहिए। इट कंटेन फर्स्ट पार्ट ऑल किंग्स, फर्स्ट पार्ट क्या है, ऑल किंग्स, इन सात पत्तों में चारों किंग आ जाने चाहिए, फर्स्ट पार्ट। लेट इवेंट इवन, इट कंटेन ऑल किंग्स, इट कंटेन ऑल किंग्स, जो ये आपने सात पत्ते निकाले हैं इनमें सभी किंग आ जाएं। अब डियर स्टूडेंट्स, किंग हमारे पास हैं कितने, ये जो आपके पास 52 पत्ते हैं इसमें किंग हैं कितने, चार, आपको चारों के चारों किंग यहां बोल रहा है अभी, इन सात पत्तों में आपके पास चार किंग आ जाने चाहिए। तो चार किंग, तो आप चार में से चार ही निकाल लोगे, फोर सी फोर, चार किंग थे टोटल, चारों में से क्या निकालिए, चारों में से चार ही निकाल लिए। अब चार पत्ते तो आपने निकाल लिए, ध्यान से देखें, चार पत्ते तो आपने निकाल लिए, बचे कितने पत्ते, और कितने पत्ते निकालना चाहते हैं आप, तीन। तो चार पत्ते किसके थे, किंग के थे, 52 पत्तों में से चार पत्ते छोड़ के कितने बचे, 48। तो आप 48 में से तीन पत्ते जो दूसरे हैं वो आप निकाल लेंगे। कंसेप्ट ध्यान से देखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, जो आपने सेवन कार्ड्स ड्रॉन किए हैं उसमें आपके पास इट कंटेन ऑल किंग्स, सात पत्तों के अंदर सारे के सारे किंग आ जाने चाहिए। अब किंग हमारे जो 52 कार्ड्स हैं उसमें किंग हैं कितने, किंग हैं चार, तो चार में से चार किंग निकाल लिए हमने, चार में से चार। ओके स्टूडेंट्स, अब चार पत्ते किंग को छोड़ के 52 पत्तों में से चार छोड़ दिए, बचे कितने आपके पास, 48। तो 48 में से कोई तीन पत्ते और निकालोगे, चार पत्ते आपने पहले निकाल लिए, तीन पत्ते आपने बाद में निकाल लिए, टोटल सात पत्ते हो गए, और ये आपके जो टोटल केस हैं 52C7। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा। अब देखें इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है, एग्जैक्टली थ्री किंग्स, एग्जैक्टली थ्री किंग्स, लेट इवेंट E2, एग्जैक्टली थ्री किंग्स, एग्जैक्टली थ्री किंग्स, जो आपने सात पत्ते निकाले हैं सात में तीन किंग होने चाहिए, तीन किंग, इस पार्ट को ध्यान से देखें, तीन किंग होने चाहिए। आपके पास टोटल किंग हैं कितने, चार, चार में से आपने कोई तीन निकाल लिए, आपके पास टोटल किंग कितने हैं, चार, चार में से आपने कोई तीन किंग निकाल लिए, आपको बोलता है एग्जैक्टली थ्री किंग, एग्जैक्ट थ्री किंग, तीन से ना कम ना तीन से ज्यादा, एग्जैक्ट। तो तीन किंग आप कितने में से निकालोगे, किंग है कितने, चार,
तो चार में से आपने तीन किंग निकाल लिए, तो चार पत्ते 52 में से चार पत्ते छोड़ दें, कितने पत्ते बचेंगे 48। 48 में से आप कोई चार पत्ते और निकालोगे, क्योंकि आप सात पत्ते निकालना चाहते हो, सात, सात में से तीन तो आपने किंग निकाल लिए, तीन पत्ते यहां निकाल लिए, बाकी कितने बचे चार पत्ते, चार पत्ते आप कितने में से निकालोगे 48 में से। ओके स्टूडेंट्स, और बाय में 52C7 ये आपकी सेकंड पार्ट का आंसर रहेगा, इसे सॉल्व कर लें। थर्ड पार्ट, एट लीस्ट थ्री किंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, एट लीस्ट थ्री किंग्स। तो थर्ड पार्ट सीधा लिख दें, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट थ्री किंग्स, या तो आप इवेंट बना लें या आप डायरेक्ट लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट थ्री किंग्स। तो एट लीस्ट का मतलब है भी कम से कम तीन किंग तो होने ही चाहिए, तीन से ज्यादा किंग भी हो सकते हैं। तो यानी ये क्वेश्चन क्या बना, एटलीस्ट लगाने से, एटलीस्ट का मतलब कम से कम तीन किंग तो आने ही चाहिए। जो आपने ये सात पत्ते निकाले हैं, सात में कम से कम तीन किंग तो होने ही चाहिए। कम से कम का मतलब है तीन हो या तीन से ज्यादा, जितने भी किंग आप बना सकते हैं ले लें। तो यानी हमारा क्वेश्चन क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर किंग, ये रहा एट लीस्ट का केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। एट लीस्ट थ्री किंग्स, कम से कम सात पत्तों में कम से कम तीन पत्ते जो हैं वो किंग के होने चाहिए। कम से कम का मतलब है तीन तो हो ही हो, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो तीन किंग ले लिए हमने, और तीन से ज्यादा किंग कितने हो सकते हैं चार, अब पांच किंग तो है ही नहीं अपने पास, तो चार पे अपना केस रुक गया। तो आपको एक तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है थ्री किंग की, एक फोर किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। थ्री किंग की प्रोबेबिलिटी हमने कहां निकाली है, यहां निकाली है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री किंग ये आ जाएगा यहां पे। और प्रोबेबिलिटी फोर किंग की कहां निकाली हमने, यहां निकाली है, ये आ जाएगा यहां पे। इन दोनों को आपने ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स, जो ये प्रोबेबिलिटी थ्री किंग की है, ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये तो आपका आंसर रहेगा ये, यहां पे चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी इस पार्ट का जितना आंसर आएगा वो आप यहां लिखते हैं। और प्रोबेबिलिटी फोर किंग, फोर किंग कौन से निकाले थे हमने, ये निकाले थे फोर किंग, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर आप यहां लिख दें। दोनों आंसर्स को ऐड करेंगे तो आपका इस थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 19। एक 20th क्वेश्चन और देख लें। क्वेश्चन नंबर 20th, ए बैग कंटेन 12 आइटम्स ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। ए बैग कंटेन 12 आइटम्स, इसमें डिफेक्टिव कितनी है 4, तो गुड आइटम कितनी है, गुड आइटम कितनी बची 8 आइटम्स। ओके स्टूडेंट्स, कोई बैग है उसमें टोटल 12 आइटम है और जिसमें से 4 उसने डिफेक्टिव दे दी, तो हम 4 माइनस करके 8 आइटम गुड आइटम निकाल सकते हैं, ये हुआ। अब करना क्या है, फ्रॉम दिस 2 आइटम्स आर ड्रॉन, हमें 2 आइटम निकालनी है, 2 आइटम्स आर ड्रॉन, हमें 2 आइटम निकालनी है। वो 2 आइटम कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट पार्ट में नो आइटम डिफेक्टिव, नो आइटम डिफेक्टिव, नो आइटम डिफेक्टिव भी, जो आपने 2 आइटम निकालनी है वो दोनों के दोनों डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, नो आइटम डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव नहीं होगी तो अच्छी होंगी, इसका मतलब डिफेक्टिव नहीं होंगी तो गुड होंगी, और गुड आइटम कितनी पड़ी है 8, तो आपका आंसर रहेगा 8C2। टोटल आपके पास आइटम कितनी है 12, तो नीचे 12C2, ये आपका रहा नो आइटम डिफेक्टिव फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, 1 आइटम डिफेक्टिव,
सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी वन आइटम डिफेक्टिव, जो आपने दो आइटम निकाली हैं, दो आइटम में से एक डिफेक्टिव होनी चाहिए, वन आइटम डिफेक्टिव, तो एक डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव देखो कितनी पड़ी है, चार, चार में से एक निकाल ली, कह रहा है एक आइटम डिफेक्टिव होनी चाहिए। आप टोटल कितने निकाल रहे, दो, तो यानी एक डिफेक्टिव के अलावा एक गुड, गुड कितनी पड़ी है, आठ, तो एक आठ में से, और टोटल 12C2। ये आपका सेकेंड पार्ट रहा। थर्ड पार्ट में बोथ आइटम डिफेक्टिव, दोनों के दोनों आइटम जो हैं वो डिफेक्टिव होने चाहिए, बोथ डिफेक्टिव। जो आपने दो आइटम निकाली हैं, दोनों दो आइटम जो निकाली हैं वो दोनों के दोनों ही क्या होने चाहिए, डिफेक्टिव होने चाहिए। डिफेक्टिव है कितने आपके पास, फोर, तो 4C2, दोनों के दोनों ही डिफेक्टिव, और नीचे 12C2। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, काम यहां तक कंप्लीट कर लें, ये 20th क्वेश्चन तक आपका होमवर्क रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट काम साथ-साथ कर रहे हैं वो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे सेंड करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।